नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज दिनांक 30 अक्टूबर को जिला प्रवक्ता शहनवाज आलम आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर जबरदस्त जनता के साथ लूट मचा रही है और 30% अधिक पैसा आम आदमी से लिया जा रहा है। बिजली बिल के नाम पर इस तरह की गतिविधियां आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देगी, क्योंकि हर एक आम आदमी पार्टी का हिस्सा है और आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी। इसी के साथ बताया कि प्रदेश की सरकार बिना बिजली का बिल न भरने वालों पर FIR दर्ज कर उसे पैसा वसूलने का काम कर रही है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये गुंडागर्दी है, ऐसा होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और बताया कि देश के अंदर मदारियों की सरकार है, जिस तरह मदारी कहता मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा लेकिन कुछ नहीं कर पाता सिवाय बेवकूफ बनाने के। यदि ये जानलेवा जीवन नहीं की जाएगी तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। धन्यवाद। बरेली से आमीन खान की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी मामले ये है, उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए गए, हर घर में लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार इस प्रकार से किया जा रहा है, जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं उसमें 30% बिल जो है बढ़ के आ रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बिल आपका 10,000 का है तो उसमें 3,000 रुपये जो है वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से बढ़ करके आ रहा है। इस गतिविधि में काफ़ी लोगों को जो है शिकार बनाया जा रहा है, आम आदमी को शिकार बनाया जा रहा है, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को, हाई क्लास को, सभी को इसमें लपेटा गया है। और जो इंसान भर्ती पूर्ति नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, उसके खिलाफ आप FIR लिख करके उस पर पुलिस का दबाव बना करके उस पर गुंडागर्दी से आप उसकी वसूली करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर एक आम आदमी के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। माननीय संजय सिंह राज्यसभा सांसद जी खड़े हुए हैं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। और बिजली को लेकर अगर घोटाला करना है या आपको बिजली बनाना सीखना तो केजरीवाल जी से सीखिए। कूड़े का इस्तेमाल कर करके कूड़ा डालिए बिजली निकालिए। मोदी जी ने एक नारा निकाला था कि आलू डालो सोना निकालो, अब केजरीवाल जी ने हमारे करके दिखाया है कूड़ा डालो बिजली निकालो। तो ऐसा प्लांट लाइए ना, साइंस के बेस पे काम कीजिए ना आप। तो इस तरह से सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। सत्ता में सिर्फ मदारी बैठे हुए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, इनका काम सिर्फ कहना है, डंका बजाना है, इनके बस की कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वास्तव में तो सत्ता को संभालने में असमर्थ है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब बिजली के मामले भी घोटाले में आ रहे हैं, आपदा को अवसर बनाने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह की गतिविधि बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। उस सरकार को होश में आना होगा और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, नियमों के अनुसार सरकार को चलाना होगा।